इस गजवे में सबसे दिलचस्प बात ये पेश आई कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटका कर सो गए, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे सो गए। ऐसे में एक मुशरिक उस तरफ आ निकला। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार सौंप ली। आपकी आंख खुल गई तो उसने कहा, आप मुझसे डरते हैं? जवाब में आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर गई। आपने वो तलवार उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप मुझ पर एहसान कीजिए। आपने उसे इस्लाम की दावत दी। वो मुसलमान तो न हुआ, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो आपसे लड़ाई करेगा, न लड़ने वालों के साथ होगा। आपने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी कौम में वापस जाकर कहा, मैं तुम्हारे पास सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। सुलह हुदैबिया के बाद कुफारे मक्का से और फतह खैबर के बाद यहूद की तरफ से इत्मीनान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया मुल्कों के बादशाहों और सलातीन के नाम खुतूत लिखकर इस्लाम की दावत दी। आपने रूम के बादशाह कैसर, मिस्र के शाह मुकोकस, शाम के गस्सानी बादशाह हारिस बिन अबी शिम्र, यमामा के हाकिम हौजा और अम्मान के हाकिम के पास अपने सफीरों के जरिए से दावती खुतूत इरसाल फरमाए। इन खुतूत की इबारत नहायत मुख्तसर और सादा होती थी। मसलन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से है जो अल्लाह का बंदा और रसूल है, तुम्हें दीन इस्लाम की तरफ दावत देता है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी कौम भी हिदायत से महरूम रहेगी, इसलिए कौम की गुमराही की जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। नजाशी का नाम असहमा बिन अबजर था। आपने उसे ये खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजाशी असहमा शाह हबशा की तरफ। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने किसी को अपनी बीवी बनाया न लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मुहम्मद उसका बंदा और रसूल है, और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं उसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह होगा। ये खत आपने सैयदिना अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हो के हाथ 6 हिजरी के अखीर या 7 हिजरी के शुरू में रवाना किया। नजाशी को जब ये खत मिला तो उसने आंखों से लगाया, तख्त से उतर आया और सैयदिना जाफर रजी अल्लाह अन्हो के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बैत के मुतालिक खत लिखा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और उन्हें अपनी तरफ से 400 दीनार महर दिया। फिर उन्हें और मुहाजिरीन हबशा को अम्र बिन उमैया जमरी के साथ 2 कश्तियों में रवाना किया। वो उन्हें लेकर उस वक्त पहुँचे जब खैबर फतह हो चुका था और आप अभी वहीं थे। इस नजाशी ने रजब 9 हिजरी में वफात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रोज उनकी वफात की इत्तला सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को दी और उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। मुकौकस शाह इस्कंदरिया और मिस्र के नाम आपने जो खत लिखा उसके अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकौकस सरबराह किब्त की जानिब, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। इस्लाम ले आओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अज्र देगा, लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले किब्त का भी गुनाह होगा। और ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बास को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ये खत आपने
हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह अन्हों के हाथ भेजा। उन्होंने मुकौकस से गुफ्तगू की, उसे खत दिया। मुकौकस ने उनकी इज्जत अफजाई की और खत को हाथी दांत के डब्बे में रखकर उस पर मोहर लगाई और उसे महफूज कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा और उसमें इकरार किया कि एक नबी बाकी रह गए हैं और मैं समझता था वो मुल्क शाम से निकलेंगे। बस उसने ये जवाब दिया, मुसलमान नहीं हुआ। तोहफे में सैयदा मारिया और सैयदा सीरीन रजी अल्लाह अन्हुमा दो लौंडियां भेजी। उन दोनों का किप्त में बहुत मकाम था। कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदीये के तौर पर भेजे। उस खच्चर का नाम दुलदुल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए मुंतखब फरमाया और सीरीन को सैयदना हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के लिए हिबा कर दिया। खच्चर को भी आपने अपनी सवारी के लिए पसंद फरमाया। आपने एक खत शाह फारिस खुसरो परवेज के नाम लिखा। आपने उसे लिखा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा वाली फारिस की जानिब। उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का भेजा हुआ हूँ ताकि जो शख्स जिंदा है उसे अंजाम बद से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत तमाम हो जाए। बस तुम इस्लाम ले आओ, सालिम रहोगे। अगर इससे इनकार करोगे तो तुम पर मजूस का गुनाह भी होगा। ये खत आपने सैयदिना अब्दुल्लाह बिन हुजाफा साहमी रजी अल्लाह अन्हो के जरिए भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि इसको अजीम बहरैन के हवाले कर दें और सरबराह बहरैन इसे किसरा के हवाले करेगा। जब ये खत किसरा के सामने पढ़ा गया तो उसने खत को फाड़ डाला और कहा, मेरी रियाय में से एक हकीर गुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसकी बादशाहत को पारा पारा करे। और फिर वही हुआ जो आपने फरमाया था। चुनाचे उसके लश्कर ने रूमियों के मुकाबले में बदतरीन शिकस्त खाई। फिर खुसरो के बेटे शेरविया ने उसके खिलाफ बगावत की, उसे कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन बैठा। इसके बाद वहाँ टूट फूट का एक सिलसिला चल निकला, यहाँ तक कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर में इस्लामी लश्कर ने इस मुल्क को फतह किया और ये बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपने एक खत हारिस बिन अबी शिमर गसानी के नाम लिखा। ये कैसर की तरफ से दिमश्क का अमीर था। इसके नाम आपने जो खत लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हारिस बिन अबी शिमर की तरफ, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह पर ईमान लाए और तस्दीक करे। मैं तुझे दावत देता हूँ कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक पर ईमान ले आ, तेरे लिए तेरा मुल्क बाकी रहेगा। आपने ये खत कबीला असद बिन खुजैमा से ताल्लुक रखने वाले एक सहाबी शुजा बिन वहब असदी रजी अल्लाह अन्हो के हाथ भेजा। हारिस को खत मिला, पढ़कर बोला, कौन है जो मुझसे मेरा मुल्क छीनेगा। इसके बाद उसने मुसलमानों से जंग की तैयारी शुरू कर दी और शुजा बिन वहब असदी रजी अल्लाह अन्हो से कहा, जो कुछ देख रहे हो अपने साहिब को इसकी खबर कर देना। फिर उसने कैसर से जंग की इजाजत चाही मगर कैसर ने उसे इस इरादे से बाज रखा। तब उसने शुजा बिन वहब को तहाइफ देकर रुख्सत किया और रुख्सत करते वक्त अच्छा सुलूक किया। आपने एक खत बुसरा के अमीर के नाम लिखा, उसे इस्लाम की दावत दी और सैयदना हारिस बिन उमैर अजदी रजी अल्लाह अन्हो के हाथ रवाना फरमाया। सैयदना हारिस जुनूबी उर्दन के इलाके बलका के एक मकाम मूता में पहुंचे तो शुराबील बिन अम्र गस्सानी ने उनका सामना किया और उन्हें शहीद कर दिया। कासिदों के सिलसिले में ये सबसे सख्त जालिमाना कदम था। उनके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद कत्ल नहीं किया गया। आपने इस पर सख्त गम गुस्से का इजहार फरमाया और यही वाकया बाद में गजवा मूता का सबब बना। इसका जिक्र आगे आएगा। जब ज़िकात का चांद तुलू हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि अपने उम्रे की कजा के तौर पर उम्रा करें
और कोई भी आदमी हुदैबिया में हाजिर था पीछे न रहे। चुनाचे इस मुद्दत में जो लोग शहीद हो चुके थे उन्हें छोड़कर बकिया सब लोग रवाना हुए और आले हुदैबिया के सिवा कुछ और लोग भी उमरा करने के लिए हमरा निकले। इस तरह तादाद 2000 हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबू रुहम गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर किया, 60 ऊंट साथ लिए और नाजिया बिन जुंदुब असलमी को उनकी देखभाल का काम सौंपा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखले के वक्त अपनी कसवा नामी ऊंटनी पर सवार थे। मुसलमानों ने तलवारें हमायल कर रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए लब्बैक पुकार रहे थे। मुशरिकीन जबकि मुसलमानों का तमाशा देखने के लिए घरों से निकलकर काबे के शिमाल में वाके क्वैकयान पहाड़ पर जा बैठे थे, उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यसरिब के बुखार ने तोड़ डाला है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पहले 3 फेरों में कंधों को हिलाते हुए दौड़कर चलें ताकि कुफार को मालूम हो जाए मुसलमान कमजोर नहीं हुए। इस तरह चलने को रमल कहते हैं। ये सुन्नत आज तक कायम है और क्यामत तक कायम रहेगी। अहले मक्का ने अगरचे मुआहदे की रूह से उमरे की इजाजत दे दी थी लेकिन थे वो बहुत तैश में। रूसाए कुरैश ने तो शहर को खाली ही कर दिया था और काबे के शिमाल में वाके पहाड़ क्वैकयान पर चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मुशरिकीन ने लाइन लगा रखी थी। आप मुसलसल लब्बैक पुकार रहे थे यहाँ तक कि आपने छड़ी से हजरे अस्वद को छुआ, फिर आपने तवाफ किया और सहाबाए किराम ने भी तवाफ किया।